सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम से। इसमें हम सीखेंगे विड्थ एंड प्रेसीजन, प्रिंट एफ में क्या होते हैं। प्रिंट एफ जो फंक्शन होता है उसमें हम आर्ग्यूमेंट वगैरह लिखते हैं, उसका प्रिंट एफ का फॉर्मेट, आर्ग्यूमेंट, सारा कुछ प्रिंट एफ के पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। उसी में आज हम सीखेंगे कि विड्थ क्या होती है, प्रेसीजन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, कमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं विड्थ एंड प्रेसीजन इन प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन एंटर। तो विड्थ क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं विड्थ क्या होती है। देखते हैं विड्थ क्या होती है। तो जो हमारा डबल क्योट्स के बीच में जो लिखा रहता है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमें लिखा रहता है, तो उसमें अगर हम परसेंट अगर हम यूज करें, जैसे हम यूज करते हैं परसेंट डी, डी क्या एक डेसिमल इंटीजर है। और अगर हम देखें परसेंट एफ, परसेंट एफ क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। परसेंट एफ क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, परसेंट एफ क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे प्रिंट एफ अगर हमें प्रिंट कराना है, परसेंट डी अगर हमें प्रिंट कराना है, तो परसेंट के बाद अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2D, तो डी का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है। परसेंट डी का मतलब क्या है, हमारे ये क्या है, कोई डेसिमल इंटीजर है जो हमें प्रिंट कराना है। और अब 2 का क्या मतलब है, ये 2 समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 का मतलब है कि जो नंबर है हमारा वो क्या होगा, 2 करेक्टर्स बैड हो जाएगा। और अगर हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे 6 या 5, तो जो हमारा नंबर है वो क्या हो रहा है, उसकी विड्थ जो है चेंज हो रही है नंबर की। अब क्या है, 5 हो गई विड्थ जो है, करेक्टर्स जो है, और उसमें 5 करेक्टर्स इनपुट हम कर सकते हैं। और भी क्या है, कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट में 1 होता है, तो 1 करेक्टर्स जो विड्थ होगी वो क्या रहेगी, 1 करेक्टर रहेगी किसी भी नंबर की, उसमें हम एक करेक्टर इनपुट कर सकते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे 4F, 4 करेक्टर्स विड्थ हो जाएगी नंबर की किसी की, जिसमें हम 4 करेक्टर्स क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ विड्थ का। अब प्रेसिजन क्या होता है, प्रेसिजन के लिए होता है हमारा 0.4, जैसे हमने लिखा 0.3, और ये 0.3 लिखा हुआ है तो क्या करेगा, ये केवल 3 वैल्यूज को ही डेसिमल के बाद प्रिंट कराएगा। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो ये अंतर होता है विड्थ एंड प्रेसीजन में, प्रिंट एफ फंक्शन में हम यूज करते हैं। अगर हम हेक्सा डेसिमल की बात करें तो उसके लिए किसका यूज होता है, परसेंट एक्स का यूज होता है। अगर हम करेक्टर की बात करें तो परसेंट सी, परसेंट एफ किसके लिए यूज होता है, ऊपर बताया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। परसेंट डी किसके लिए होता है, डेसिमल इंटीजर के लिए। अगर हम परसेंट परसेंट लिख दें तो क्या होगा, तो इसका मतलब होता है वो किसके लिए है, वो केवल परसेंट के लिए इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कोई क्या है, परसेंट है, जैसे हम लिखें सी परसेंट परसेंट एफ, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा आएगा वो आएगा सी परसेंट एफ। जैसे अगर हम इसे देख भी लेते हैं, मेन फंक्शन एंटर ब्रेसेस प्रिंट एफ, यहां अगर हम लिखें परसेंट परसेंट, जैसे हम लिखें यहां सी परसेंट परसेंट एफ, बिल्ड एंड रन, इसमें एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। दोबारा रन करते हैं इसे, देखो तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, परसेंट एफ,
तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें जब भी प्रिंट कराना है C% है, अगर हमें परसेंट कहीं लिखना है तो उसके लिए केवल परसेंट लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर हमने यहाँ केवल परसेंट लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, वो समझ रहा है कि परसेंट एफ का मतलब है कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो कि सी के बाद लिखी हुई है और हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, तो ये एरर शो कर रहा है। इस वजह से हमें ध्यान रखना है परसेंट, परसेंट का मतलब होता है हमें कोई परसेंट अगर हमें प्रिंट करानी है। तो ये था हमारा सेकंड ट्यूटोरियल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।